हाय फ्रेंड्स, राजेश शेर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Havok OS 2.2 वर्जन के बारे में, जो कि हमने Redmi Note 6 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स काम कर रहे हैं और क्या क्या आपको उसको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज हमने Redmi Note 6 Pro के अंदर Havok OS 2.2 जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है उसको अपने Redmi Note 6 Pro के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। तो ये Android वर्जन 9 के ऊपर रन कर रहा है। सिक्योरिटी पैच आपको इसके अंदर 5th ऑफ फरवरी 2019 का मिलता है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है इस टाइम पे गूगल की तरफ से। कर्नल आपको इसके अंदर 4.4 वर्जन मिल जाता है। आपको ये लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम पे रोम का Redmi Note 6 Pro के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब कुछ फीचर्स वगैरह चेक कर लेते हैं। देखिए डेस्कटॉप का लुक आपको कुछ ऐसा मिलता है। आप इसके अंदर जो है काफी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्योंकि सेटिंग्स पैनल का हमने पूरा लुक जो है चेंज कर रखा है। आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकग्राउंड दिखता है, आइकन्स कलर आपको व्हाइट देखने को मिल रहे हैं, ऊपर आपको हेडर बैकग्राउंड जो है रेड कलर का देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे वॉलपेपर की थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। आप कोई भी कलर इसके अंदर यूज कर सकते हैं, तभी इसको कहा जाता है किंग ऑफ द कस्टमाइजेशन रूम, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं। वोल्ट का सिम इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप ऊपर वोल्ट का आइकन देख पा रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर पे। तो मैं एक कॉल आपको अटेंड करके दिखा देता हूँ, एक बार कॉल कनेक्ट करके 198 जो जियो का कस्टमर केयर नंबर है, हम उस पर कॉल कनेक्ट करते हैं। आपको ऊपर टाइमर देखने को मिल गया होगा कि कॉल कनेक्ट हो चुकी है स्पीकर पे फोन। तो ये कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस एंड थर्ड नंबर इज Havok सेटिंग्स, जो इसका मेन फीचर है, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली किसी भी रोम में इतने फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आप इसके ऊपर टैप करेंगे, आपको स्टेटस बार के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं आप स्टेटस बार के अंदर। काफ़ी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको अगर मैं बताने लगूं तो अराउंड कम से कम ये 1 आवर के आसपास का वीडियो बन जाएगा। तो आप डबल टैप टू स्लीप मिलता है आपको इसके अंदर। क्लॉक सेटिंग्स वगैरह आप सारी चेंजेस करते हैं, बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज वगैरह, इन सब चीज़ों को आप इसमें जाके चेंज करते हैं। मैं आपको जो मेजर जो फीचर्स हैं इसके वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्यूक सेटिंग्स का पैनल जो है आप पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने पूरा क्यूक सेटिंग्स का पैनल चेंज कर रखा था। उसके अंदर आप जो है इसके कॉलम्स वगैरह, रोज वगैरह में जो आइकन हैं उनको कम ज़्यादा करना चाहें, उनकी साइज वगैरह को वो आप कर सकते हैं। आपको सेटिंग आइकन चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्राइटनेस स्लाइडर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज करेंगे। इंटरफेस जो है इसका मेन फीचर है, जिसके अंदर आप थीम्स के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको यूआई स्टाइल कौन सा चाहिए, पिक्सल का चाहिए कि एसपीवी से ये बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए। हम लाइट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइट बैकग्राउंड है। आपको नोटिफिकेशन कलर कैसा चाहिए वो आप सारी चीज़ें सेट करते हैं। एसेंट कलर जो है हमने इसके अंदर आप सेट कर रखा है रेड कलर के, आप देख पा रहे हैं। आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आप चेंज करना चाहें। नाइट मोड हमने अभी ऑफ कर रखा है। डिफॉल्ट कलर्स वगैरह जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्यूएस का जो मैंने आपको बताया था क्यूक सेटिंग पैनल की, आप ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम ज़्यादा हो, उसके पैनल के कलर, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर का बैकग्राउंड है उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो वॉलपेपर है वो डार्क कलर में है, तो इसीलिए जो हमारे क्यूक सेटिंग्स का जो बैकग्राउंड है वो आपको डार्क कलर में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा देखने को मिल रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हेडर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो हेडर स्टाइल जो है हमने एसेंट बेस कर रखा है जो रेड था, तो आपको ऊपर हेडर जो है रेड कलर का देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर डिफॉल्ट हेडर को चेंज करके कोई अपना पर्सनलाइज इमेज भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टम यूअर क्यूएस हेडर इमेज के ऑप्शन को इनेबल करके सेटिंग्स में जाकर इसको इनेबल करना है। स्टाइल कैसा चाहिए आपको वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम डिफॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई और स्टाइल चाहिए तो उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ड्यूल टोन सर्कल हमने कर लिया, एक बार सिस्टम यूआई रीस्टार्ट होता है और उसके बाद ये चेंजेस जो है आपके क्यूक सेटिंग पैनल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा अब जो आपको इसके अंदर एनिमेशन सा एक थोड़ा सा ब्लरी सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फॉन्ट मैनेजर मिल जाता है, उसमें आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज सब कुछ आप इसमें कम कर सकते हैं। स्विच अपीयरेंस आपको कौन सा चाहिए, डिफॉल्ट, मटेरियल डिजाइन या वन प्लस, वो आप चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड आइकन्स में भी छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटरफेस। एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि ठीक तरीके से काम करता है। म्यूजिक टेकर वगैरह ऑलवेज ऑन जो जो आप इसमें रखना चाहें वो इजिली यहाँ पे रख सकते हैं। अब स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप जो है आपको लगता है कि आपके जो नोटिफिकेशंस जो है आगे बाहर जा रहे हैं पैडिंग से, तो आप इसको डिसेबल करके इनकी जो है विड्थ वगैरह को जो है जिस तरीके से आप कम ज़्यादा करना चाहें देख पा रहे होंगे। आप जो है ऊपर कॉर्नर पे
टॉप साइड पे आप इनकी वेट वगैरह जो पैडिंग वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। आपको कटआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो कटआउट स्टाइल कैसे चाहिए, नॉर्मल इमेज और हाइट वगैरह जो आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। इनेबल स्मार्ट पिक्सल्स, इनेबल स्क्रीन स्टेबिलाइजेशन का भी ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। बटन्स में जाएंगे तो बटन्स में आप काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे पावर बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं आप, इसका एडवांस रिबूट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, फ्लैशलाइट, एयरप्लेन मोड, ये सारे ऑप्शंस पा सकते हैं। अब आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट पर टैप कर दें, स्क्रीनशॉट उसी समय पर क्लिक हो जाता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं आप अपने पावर बटन में ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। कुछ और नीचे जाएंगे तो आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन मिल जाता है, आप हाइट्स वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जेस्टर्स में आपको काफ़ी सारे जेस्टर्स मिल जाते हैं, जैसे सिस्टम जेस्टर्स में भी अभी हम जो पाई के जेस्टर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डिसेबल कर देंगे तो आपको वापस अपने रेडमी नोट 6 प्रो के नए बार बटन देखने को मिलते हैं। जेस्टर्स में आपको काफ़ी सारे और भी जेस्टर्स मिलते हैं, जैसे एज जेस्टर्स मिलते हैं जो कि ठीक तरीके से काम कर रहा है। एज जेस्टर आपको देखिए इस तरीके से काम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे साइड में ये बैक हो जाता है इस तरीके से। उसी तरीके से आपको इसके अंदर पाई कंट्रोल का भी जेस्टर्स मिल जाते हैं, आप इसको इनेबल करेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से ट्रैक करेंगे आपको जो है पाई कंट्रोल इस तरीके से इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जेस्टर्स वाइज देखा जाए तो आपको इसके अंदर काफ़ी सारे अनलिमिटेड जेस्टर्स देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आप जो है इसके अंदर मीडिया कवर आर्ट, क्लॉक विजेट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने क्लॉक को चेंज कर रखा है, उनके फॉन्ट वगैरह को, डेट को भी, फिंगरप्रिंट इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है। मैं फिंगरप्रिंट से अनलॉक करता हूँ फोन को, ये देखिए क्योंकि फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक हो जाता है, फिंगरप्रिंट जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। क्लॉक साइज और डेट साइज जो भी आप चेंज करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। रिसेंट्स के टैब्स को अगर आप चेंज करना चाहें तो उनको पोजीशंस को चेंज, उनके थोड़े से डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको क्या क्या नोटिफिकेशन चाहिए उनको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से जाके। उसी तरीके से एनिमेशन सिस्टम वगैरह में आपको काफ़ी सारे और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे CPU इन्फो, प्राइवेसी गार्ड, ये भी सारी चीज़ें आप इसमें देखने को जा सकते हैं। बैटरी सेविंग में जाके आपको अलार्म ब्लॉकर, वेट क्लॉक ब्लॉकर, ये ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस में जाएंगे तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे USB को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, USB कनेक्ट करते हैं हर टाइम पे, वेकअप ऑन चार्ज, लॉन्च म्यूजिक ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हेडफोन को कनेक्ट करेंगे तो आपका म्यूजिक एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड शॉर्टकट क्वालिटी, शॉर्टकट की जो टाइप वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली मिसलेनियस में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऐसा कस्टमाइजेशन का फीचर। अब बैटरी मैनेजर में आप जाएंगे तो आपको बैटरी मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गूगल पिक्सेल फोन में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। डिस्प्ले के अंदर भी देख लेते हैं आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको वॉलपेपर, एक्सपेंडेड डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर वगैरह सारी चीज़ें वही मिलती हैं। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज को आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले कटआउट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, टॉल कटआउट उस तरह यूज़ करते हैं आप, ये रेडमी नोट 6 प्रो में यूज़ करने का कोई फायदा नहीं है इसका, तो ये ऑप्शन आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा। इसके अंदर साउंड में जाते हैं तो साउंड में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, और दोनों सिम्स के लिए अलग अलग तरीके से आप रिंगटोन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड लोकेशन मैंने आपको बताया, फिंगरप्रिंट लॉक जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। स्मार्ट लॉक में आप अंदर जाते हैं आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आप ट्रस्टेड फेस में फेस अनलॉक को यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल वेलबींग का भी आपको फीचर मिल जाता है, जो कि ठीक तरीके से काम कर रहा है, जो आपकी स्क्रीन ऑन टाइम, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में आपको रिपोर्ट देता है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस और कितनी बार आपने फ़ोन को अनलॉक एंड अनलॉक किया है और कितने मैसेज आपको अब तक आ चुके हैं। तो ये फीचर भी आपके अंदर इन्जॉय कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली गूगल ने अपने पाई फोन्स जो भी हैं जो पिक्सल फोन्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। सिस्टम में जाते हैं तो आपको वही मोस्टली ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे डेट एंड टाइम, बैकअप, रीसेट ऑप्शंस, मल्टीपल यूजर्स एंड सिस्टम अपडेट्स, जिसमें जाके आप जो है इस OS के अपडेट्स के बारे में पता करते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई अपडेट आ रखा है कि नहीं आ रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमारे लिए कोई अपडेट नहीं था तो हमें कोई अपडेट इस टाइम पे नहीं आया है। अब बात करते हैं कैमरे की। कैमरा इसको आपको जो मिलता है इसके अंदर वो आपको स्नैपड्रैगन कैमरा मिलता है, जो कि कोई खास नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर कैमरा टू API इनेबल्ड मिलता है। दैट मीन्स कि आप गूगल कैमरे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने देखिए गूगल कैमरे भी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, कैमरे में पिक्चर्स क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम नाइट साइड पे भी इसमें फ़ोटोज़ को कैप्चर कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। भी देखिए फोटोज़ वगैरह क्लिक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कैमरा आप जो इसमें गूगल कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है। तो बेंचमार्क स्कोर जो है इसको ठीक ठाक ही मिला है, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था रेडमी नोट 6 प्रो के ऊपर 114834। तो मोस्टली हर चीज़ें काम कर रही हैं, सारी चीज़ें आप चेक कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको दो फाइलें चाहिए, एक तो है वो OS रोम की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जी एप्स की फाइल, अगर आपको गूगल कैमरा चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन फाइलों को सेव करने के बाद आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद आप कस्टम PWRP रिकवरी पे उसको एक बार बूट करेंगे। स्विच ऑफ होते ही वॉल्यूम अप एंड पावर के बटन को होल्ड रखिए एंड आपका फ़ोन जो है रिकवरी मोड पर आ जाएगा।
तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है पिच ब्लैक रिकवरी में बूट किया है। वाइप पर जाके एडवांस वाइप को एक बार सेलेक्ट करना है आपने, फिर डाल्वी कैश, सिस्टम कैश और इन वेंडर और डाटा को सिलेक्ट करना है। इंटरनल स्टोरेज को आप जो है सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज जो आपने फाइलें सेव की हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। स्वाइप टू वाइप करेंगे एक बार, वापस जाएंगे इंस्टॉल पे, रोम की जो फाइल हमारी है वो ओएस उसको सिलेक्ट करके कन्फर्म फ्लैश कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगी फ्लैश होने में, नियर अबाउट 30 to 40 seconds। जैसे ही रोम की फाइल आप फ्लैश हो जाती है, वापस आप होम स्क्रीन पर जाके इंस्टॉल पर जाके जी एप्स की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी एक बार फ्लैश कर लेंगे ताकि गूगल एप्स जो है सारे इस रोम पर काम कर सकें। जैसे जी एप्स की फाइल फ्लैश हो जाएगी, नीचे दो ऑप्शन आते हैं, वाइप कैश सेल्विक एंड रीबूट सिस्टम। वाइप कैश सेल्विक पे एक बार टैप कीजिए, स्वाइप टू वाइप एंड रीबूट सिस्टम, दैट्स इट। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, दैट मीन्स रोम फ्लैश हो चुका है और सारी चीज़ों को आप सेटअप करेंगे और इस रोम के सारे फीचर्स अपने फ़ोन में इंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।